Good morning everyone, this is Varsha Pathare. Welcome to Raghuvansh Convent School. Class 6, subject है आपका संस्कृत, chapter है आपका 9, chapter है कौन सा? योग्य शिष्य. क्या नाम है chapter का? योग्य शिक्षक, शिष्य. शिष्य माने छात्र. ठीक है, देखिए इस chapter को. एकः आचार्य सर्वनाम शिष्यानाम अहूय सर्वेभ्यः एकम एकम कपोताम आयच्छतम. एक बार एक आचार्य मतलब गुरु, एक गुरुजी ने सारे जो शिष्य थे उनको अपने पास बुलाया और सभी को एक एक कबूतर दिया. सातत अवदत और उन्होंने कहा, स्व स्व कपोतः कपोताम कुत्रचितम एतादृशे स्थाने मुच्छन्तु यत्र कोऽपि भवता न पश्यतु. ये जो मैंने आपको कबूतर दिए हैं, इन कबूतरों को ऐसे स्थान पर छुपाइए जहाँ पर कोई भी इनको देख ना पाए. सर्वे शिष्या कपोतानां गृहीत्वा, सभी शिष्यों ने कबूतरों को लिया. आश्रमात वही अगच्छनम और आश्रम से जहाँ पर वो पढ़ते थे, विद्या अर्जन करते थे, आश्रम से बाहर निकले. कश्चितम कालस्य पश्चातम सर्वे शिष्यः कपोतानां मोचित्वा आश्रमम अगच्छनम. कुछ समय के बाद वो जो सारे शिष्य थे जिनको गुरुजी ने कबूतर दिए थे, वो सारे शिष्य आश्रम में वापस आए. परंतु एकः शिष्यः स कपोतानां अमुच्छितम, परंतु एक जो शिष्य था उसने अपने कबूतर को नहीं छिपाया, नहीं छोड़ा. गुरु तरम अप्रच्छतम, गुरु ने तब उससे पूछा, वत्स बालक तुम कपोतः किमार्थ न अमुच्छितम, तुमने अपने कबूतर को किस लिए नहीं छोड़ा. शिष्य अवदत, फिर शिष्य ने कहा, गुरुवरा गुरुजी अहम तदाश्रम स्थानम न अपश्यम यत्र कोऽपि मा न पश्यति. मैंने कोई भी ऐसा स्थान नहीं देखा जहाँ पर कोई मुझे या इस कबूतर को ना देख पाए. गुरु पुनः अवदत, कस्मिन्नस्य एकांते स्थाने गत्वा एका कबूतर मुच्छितम, तुमने अपने इस कबूतर को किसी ऐसे स्थान पर क्यों नहीं छोड़ा जहाँ पर इसे कोई नहीं देख पाए. शिष्य अवदत, फिर शिष्य ने बोला, गुरुवरः एकांते अपि अहम सर्व कार्य पश्यामि. एकांत कहीं भी नहीं होता, सभी जो हम कार्य करते हैं उसे कोई ना कोई देखता है. सूर्य चंद्रमा वृक्ष पादपः एतस्मिन्नः अपि सर्वे मा पश्यन्ति, जो सूर्य है, चंद्रमा है, वृक्ष है, पादप छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, वो हम सबको देखते रहते हैं. कुत्रापि एकांतम स्थानम न अस्ति, कहीं भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ हमें कोई ना देखे. एतत् श्रुत्वा गुरुः अति प्रसन्ना अभवत, ये सुनकर जो गुरुजी थे वो बहुत ही प्रसन्न हुए. सातम शिष्याम अकथ्यतम, और उन्होंने सभी शिष्यों से कहा, भवनाम एव मम योग्य शिष्यः अस्ति, सभी शिष्यों से कहा, सभी शिष्यों में ये जो शिष्य है वो मेरा सबसे प्रिय शिष्य है. ये चैप्टर आपको समझ में आया? योग्य शिष्य, योग्य शिष्य का मतलब होता है अच्छा छात्र, अच्छा छात्र. ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया. आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो रिपीट करके देख लेना आप लोग. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो. स्टे होम, स्टे सेफ.